तो अब हम देखेंगे कि यूसेस कैसे बनाना है, या किसी भी पार्ट को अलाइन करके यूसेस कैसे बनाना है। ओके, तो सबसे पहले जब हम सिमेट्रॉन ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये बाय डिफॉल्ट ओरिजिन यूसीएस मॉडल जिसका नाम है वो आपकी स्क्रीन पर हमेशा रहता है। ओके, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर यूसीएस मैनेजर, यहाँ से हम यूसीएस को शो हाइड कर सकते हैं और एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मॉडल वैसे ही है। तो मुझे एक मॉडल इंपोर्ट करना है, मैं गया फाइल में गया इंपोर्ट टू करंट, राइट। इंपोर्ट टू करंट में मुझे डी ड्राइव से एक फाइल को इंपोर्ट करना है, रिमोट पार्ट को ओपन। तो फाइल यहाँ पर विंडो में ओपन हो गई है, मैंने इसको जस्ट कहा ओके, फिलहाल के लिए ओके। ठीक है, तो यूसीएस मैनेजर में जाके मैं सारे यूसीएस ऑफ कर देता हूँ, और जब मैं यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू देखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कुछ अलाइन नहीं है, कुछ एंगल से जो भी हमने कैड से एक्सपोर्ट किया, अगर मैं टॉप व्यू ले लूँ तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, और आइसोमेट्रिक व्यू देखो तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, और फ्रंट व्यू में ऐसे दिख रहा है, ये अलाइन नहीं है। मतलब मुझे इसका यहाँ पर यूसेस बनाना है, तो मैं इसका यूसेस कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो इतने सारे ऑप्शन है अपने पास। कॉपी यूसेस है जिसके हम बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ऊपर। कॉपी यूसेस यानी जस्ट आप कॉपी करके उसको मूव कर सकते हो। ओके, तो यूसीएस बाय डायरेक्शन क्या है? सो फर्स्ट हम देखेंगे यूसीएस बाय डायरेक्शन क्या कमांड है। तो मैं ले रहा हूँ यूसीएस बाय डायरेक्शन, आप देख रहे हैं मॉडल थोड़ा टिल्ट है, वो अलाइन नहीं है, तो उसको मैं यूसीएस बाय डायरेक्शन से कैसे कर सकता हूँ? तो मैं यूसीएस बाय डायरेक्शन को क्लिक करता हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे कि ये मुझे पूछ रहा है सॉफ्टवेयर की पिक अ रेफरेंस पॉइंट कि आपको यूसीएस कहाँ प्लेस करना है। तो मैं मॉडल को टिल्ट करता हूँ और मुझे इस कॉर्नर पे यूसीएस चाहिए यहाँ पर फिलहाल के लिए। तो मैं इस यहाँ पे जाके एंड पॉइंट लेता हूँ और इस कॉर्नर को मुझे यूसीएस चाहिए। ओके, तो कॉर्नर पे आप यूसीएस आ गया है, और आप देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन जो है वो कुछ किसी एंगल में है। तो मुझे उसको मॉडल के साथ कैसे अलाइन कर सकता हूँ मैं यहाँ पर? तो सबसे पहले ये जो यहाँ पर जाने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बॉल हाईलाइट हो रही है, उस बॉल को आपको क्लिक करना है और कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे ऑप्शन है बाय रेफरेंस, बाय एंगल, बाय क्विक स्प्लिट एंड नॉर्मल टू रेफरेंस, नॉर्मल टू स्क्रीन और टेंजेंट टू कर्व, और लास्ट में टू पॉइंट देखें। तो हम यहाँ पर हम आसान तरीका है टेंजेंट टू कर्व कि मुझे उस कर्व के साथ मेरा एक्सिस अलाइन होना चाहिए। तो मैंने एक्स एक्सिस को पिक किया है टेंजेंट टू कर्व, मैंने कहा इस एक्सिस के साथ। तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस अलाइन हो चुका है यहाँ पर। उसी तरह मुझे वाई एक्सिस जो है इस बॉल पे जाके क्लिक करना है, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा टेंजेंट टू कर्व, मुझे इस कर्व के साथ वाई एक्सिस अलाइन चाहिए। ओके, तो ये डायरेक्शन इस साइड आ गई, आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, ये साइड आप यहाँ पर जाके इसको भी एक्स प्लस माइनस कर सकते हो, मुझे ऐसा यूसेज चाहिए। ओके, मुझे नहीं मालूम किस एंगल में मॉडल था, मैं जस्ट इसको पिक करता हूँ और यूसेज 12 है, यहाँ पे जाके यूसेज 12 को एक्टिवेट करता हूँ डबल क्लिक करके, और जस्ट एक्सेप्ट कह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं जब टॉप व्यू लेता हूँ मॉडल मुझे पूरी तरह से ओके दिख रहा है, मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मॉडल पूरी तरह से अलाइन हो चुका है। ठीक है, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं यूसीएस बाय डायरेक्शन। अभी मैं वापस इस यूसीएस को हटा देता हूँ कैड में जाके, ये यूसीएस बनाया था इसको मैं यहाँ जाके डिलीट फीचर कर देता हूँ। वापस मैं कैम में आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वापस मॉडल अलाइन नहीं है क्योंकि यूसीएस मैंने हटा दिया है। तो उसके बाद हम कमांड देखेंगे यूसीएस बाय ज्योमेट्री। ओके, तो सबसे पहले मैं देख सकता हूँ कि ये मॉडल अलाइंग नहीं है, किसी ऑड डायरेक्शन में है, ये अलाइन नहीं है। तो मुझे इसके लिए ऑप्शन यूज करना है यूसीज बाय ज्योमेट्री। ओके, तो यूसीज बाय ज्योमेट्री को मैं जब क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर पढ़ना है इंस्ट्रक्शंस, पिक द ओरिजिन पॉइंट एंड पॉइंट्स फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस और पिक एन एज एंड पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये तय करना है कि यूसीएस मुझे कहाँ पर फिक्स करना है। तो मुझे
इस कॉर्नर पर मुझे यूसीएस फिक्स करना है। मैंने पिक करता हूँ, यहाँ पर आके पिक किया और आप देख सकते हो वापस एक्स और वाई सही डायरेक्शन में नहीं है, कुछ ऑड एंगल्स में है। तो मुझे मैं सीधा करना है इसको। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा ये कॉर्नर मेरा एक्स एक्सिस है, यहाँ आके एंड पॉइंट लेता हूँ। ये कॉर्नर मेरा एक्स एक्सिस है, ये अलाइन हुआ है यहाँ पर एक्स को, और ये कॉर्नर मेरा वाई एक्सिस है। तो आप देख सकते हैं यूसीएस अलाइन हुआ है यहाँ पर। ओके, और मैं यूसीएस को अभी यहाँ पर जाकर 14 नंबर को डबल क्लिक करता हूँ, यस बोलता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यूसीएस पूरी तरह से, मैं फ्रंट व्यू लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से अलाइन हुआ। तो इस तरह से हम ले सकते हैं यूसीएस बाय ज्योमेट्री। ठीक है, यूसीएस बाय ज्योमेट्री लेने के बाद मैं खुश नहीं हूँ कि मुझे वापस मेरा यूसीएस है वो सेंटर ऑफ द ज्योमेट्री चाहिए। मुझे सेंटर ऑफ द ज्योमेट्री और टॉप को चाहिए या किसी कोने पर चाहिए, लेकिन सेंटर ऑफ द ज्योमेट्री चाहिए। तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ? तो उसके बाद हम यहाँ पे जाके ले सकते हैं यूसीएस सेंटर ऑफ द ज्योमेट्री। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, फिर मैं सिलेक्ट ऑल, मुझे यहाँ पे बता रहा है सॉफ्टवेयर पिक द फेसेस कर्व एंड देन एग्जिट। एग्जिट करने के लिए हमें मिडिल बटन को दबाना है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिलेक्ट ऑल, मिडिल बटन को प्रेस करता हूँ माउस पर। तो आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर मुझे कई सारे पॉइंट्स दे रहा है और मैं आसानी से वहाँ पर यूसीएस ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ पे पिक किया इस पॉइंट पर, आप देख सकते हैं कि यूसीएस वहाँ पर आ चुका है सही डायरेक्शन में, जेड एक्सिस। कभी कभी जेड एक्सिस मान लो मुझे यूसीएस यहाँ चाहिए लेकिन जेड डायरेक्शन अपोजिट में चाहिए, तो मैं यहाँ पर एरो पिक करके जेड एक्सिस को टिल्ट कर सकता हूँ। मुझे एक्स में जेड एक्सिस चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं जेड एक्सिस एक्स में चला गया। मुझे वाई में चाहिए तो मैं इस एरो पे पिक करता हूँ, उस हिसाब से मेरा जेड एक्सिस मूव हो रहा है। ओके, तो मुझे अभी जेड एक्सिस ऊपर की साइड में चाहिए तो मैं यहाँ पे टॉप पे क्लिक करता हूँ, तो जेड एक्सिस आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है टॉप। अगर मैं एक्स में पिक करूँ तो जेड एक्सिस रोटेट हो गया, फ्रंट में आ गया, वापस नीचे चला गया और वापस एक्स में है, वापस वाई माइनस में है, और यहाँ पे आके मैं क्लिक करूँगा तो टॉप में है। ओके, मुझे टॉप में ही यूसीएस चाहिए। आप यहाँ पे उसको नाम दे सकते हो, यूसीएस को नाम भी आप दे सकते हो। मैंने कहा यहाँ पे आके टेस्ट _01 text 01, और यहाँ से इसको एक्टिव करना है यूसीएस को। यहाँ से एक्टिव भी कर सकते हैं, एक्टिव कर लिया मैंने इसको, जैसे ही अप्लाई बोलूँगा वो यूसीएस एक्टिवेट हो जाएगा। देख सकते हो text 01 एक्टिवेट हुआ है, और मुझे ये यूसीएस नहीं चाहिए तो मैं यूसीएस मैनेजर में जाऊँगा और यहाँ से UCS 14 को ऑफ कर दूंगा। तो अभी मैंने ये UCS बना लिया है, इसके हिसाब से ही मैं आगे काम कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से हम UCS क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,